फ्रेंड ये देखिए, ये स्वेटर का बैक वाला पार्ट है, तो ये मैंने प्लेन प्लेन बनाया है। ये स्कूल की ड्रेस की है, तो ये देखिए ये मुंडे की कटिंग, और इसके बाद फिर मैंने इसको बना लिया है। अब ये जो फ्रंट वाला पार्ट है देखिए, इसको भी मैंने मुंडे की कटिंग तक बना लिया है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे फंदों को, और फिर बीच में बटन पट्टी बनाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम, अभी हमने ये देखिए मुंडे की कटिंग भी नहीं करी, कुछ नहीं करा है। तो देखिए कैसे हम डिवाइड करेंगे, 2, 4, 6, 7 फंदे हम बटन पट्टी के रखेंगे, जो सेंटर में रखेंगे, और दोनों साइड बराबर फंदे आएंगे। तो बराबर देखिए कैसे करेंगे हम, 7 फंदे तो हमने निकाल लिए। अब 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और एक हमारा एक्स्ट्रा है, तो बीच में ये हम 8 फंदे कर देंगे बीच में, और 31 31 फंदे दोनों साइड। तो देखिए अब पहले हम यहाँ पे मुंडे की कटिंग भी करेंगे, तो 31 फंदों को काउंट करते जाएंगे। देखिए 3 फंदे बंद करेंगे, 1, 2 और 3। देखिए 3 फंदे हमने बंद कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हो गए, 31 बनाएंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
बनाएंगे वो हम बाद में बनाएंगे। तो अब धागा आगे करेंगे और इन जो हमने पहले 8 फंदे निकाल दिए थे यहाँ पे बटन पट्टी के लिए वो हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट का हम सीधा बनाएंगे तो 8। अब यहीं से हम पीछे मुड़ जाएंगे और ए वाला पार्ट हम बाद में बनाएंगे। जब ए वाला बनाएंगे तो ये जो हमारे 8 फंदे हैं इनके पीछे से हमें 8 फंदे उठा देंगे तो हमारे फंदे बराबर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो डिज़ाइन आए हैं ये देखिए 10 लाइनें बनाई हैं, फिर हमने ये डिज़ाइन बनाया, फिर 10, फिर डिज़ाइन, 10 डिज़ाइन, ऐसे 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन के बाद हमने मुंडे की कटिंग करी है। अब यहीं से हम पीछे मुड़ जाएंगे और ये पूरी सिलाई हम उल्टी बनाते जाएंगे। वहाँ दूसरी साइड हमने 3 2 1 की मुंडे की कटिंग करनी है और इस साइड बटन पट्टी को ऐसे ही बनाते जाना है। तो उल्टी सिलाइयाँ सभी इसकी उल्टी ही बनेंगी, सिर्फ हमने सीधी पे ही फंदे घटाने हैं। इसके बाद इसकी लेंथ जितनी ये देखिए बैक पार्ट की है, जितनी लेंथ हमने बैक पार्ट की रखी है 7 इंच, तो 7 इंच का आधा बनने तक यहाँ तक मतलब 3.5 इंच तक हम बना लेंगे। उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे इसमें फ्रंट पार्ट में, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब देखिए फिर से हमने यहाँ पे 2 की कटिंग करनी है। पहला फंदा तो हमने ऐसे स्लिप करा और एक बनाया, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया, तो 1 और 2 फंदे हमारे बंद हो गए। अगली बार हम 1 फंदा बंद करेंगे और पूरी सिलाई जब तक हमारे 8 फंदे उल्टे उल्टे नहीं आ जाते हम ऐसे ही पूरी सिलाई सीधी बना देंगे। यहाँ पे हमारी 1 धारी बनी है जो उल्टी उल्टी बनी है, 5 धारियाँ बनाएंगे हम यहाँ, फिर 5 धारियाँ बनाने के बाद यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। इस साइड को हमारा बटन होल बनेगा, तो देखिए इस तरीके से मैं बना लेती हूँ ये, और जो आगे की हमारी ये बटन पट्टी है उसको हम उल्टा बना देंगे, वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको जहाँ हम पहुँचेंगे। धागा आगे करा और 1 2 3 4
पाँच छः सात, धागा पीछे करके आठ। तो ये हमारी ये डिज़ाइन के बाद एक दो दो बटन पट्टी हो गई, दो धारियाँ हो गई, और पांच बनने के बाद फिर हम यहाँ पे होल बनाएंगे। तो इसके बाद जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो एक फंदा फिर हम यहाँ पे बंद करेंगे, बस फिर हो गए हमारे ये मुंडे की कटिंग। तो ये पांच धारियाँ मैं बना लेती हूँ यहाँ पे, फिर बटन होल बनाना बताती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पांच धारियाँ बना ली, एक दो तीन चार पाँच। अब यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे उल्टी सिलाई पे, तो चार फंदे बना लेते हैं, एक दो तीन चार। फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे, ऐसे सिलाई के ऊपर धागा घुमा देंगे और आगे दो का एक कर देंगे, तो हमारा ये बटन होल बन जाएगा और पूरी सिलाई हमें उल्टी बना लेंगे। इसके बाद जो भी हमारा डिज़ाइन चल रहा है उसको वैसे ही बना देंगे। देखिए इसको साढ़े तीन इंच तक, मतलब आधा बना देंगे, आधा नहीं तो तीन इंच तो आप बना ही लीजिए। तीन इंच बनाने के बाद फिर मैं गले की कटिंग करना बताऊंगी आपको। ये देखिए फ्रेंड, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है इतनी, तो मैं दिखाती हूँ आपको नाप के इंच टेप से। ये देखिए तीन इंच इसकी लेंथ करी है मैंने। अब इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो जो गला, हम पहले एक पिन ले लीजिए, ऐसे सेफ्टी पिन जो भी आपके पास मार्कर है। अब देखिए, अब पहले हम इन आठ फंदों को बना लेंगे, फिर हम पिन पे उतारेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब यहाँ से हम ऐसे पकड़ेंगे और इन आठ फंदों को पहले पिन पे उतार लेंगे, एक दो तीन चार पाँच सात आठ, ऐसे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह फंदे हम मुंडे के लिए रखेंगे। इसके बाद देखिए तीन दो एक की कटिंग करेंगे, तो दो बार हम तीन तीन की कटिंग करेंगे। अब देखिए एक बनाया, फिर अगला बनाया, एक फंदा बंद कर लिया, दो बंद करे, और ये तीसरा। अब पूरी सिलाई हम ऐसे ही बना लेंगे, अगली बार फिर हम तीन बंद करेंगे, उसके बाद फिर दो फिर एक, ऐसे हम गले की कटिंग करेंगे और फिर बैक पार्ट के बराबर इसकी लेंथ कर देंगे। इन्हीं फंदों को फिर ऊपर तक बनाएंगे, सोलह फंदों को। तो ये मैं बना लेती हूँ सिलाई, फिर अगली बना के फिर दिखाती हूँ यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड, फिर से हमने तीन फंदे बंद कर देने हैं, दो बार हम तीन तीन बंद करेंगे और फिर दो फिर एक, तो तीन दो एक की कटिंग फिर हो गई हमारी, दो फंदे ए तीन, तीन फंदे बंद कर दिए। अब पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे और सीधी पूरी सीधी बना के फिर मैं अगली फिर बताऊंगी आपको, फिर हमने दो फंदे कम करने हैं। ये देखिए फ्रेंड, तीन तीन, अब दो की, अब दो फंदे हम बंद कर देंगे, एक फंदा उतारा, एक बनाया और पीछे वाला ऊपर से उतार देंगे, दो, और पूरी सिलाई ये उल्टी बना देंगे, अगली पूरी सीधी। अब देखिए उल्टी सिलाई बना ली मैंने, अब हमारा डिज़ाइन आ गया गैरमी सिलाई पे। अब एक फंदा यहाँ से स्लिप करेंगे और एक को बनाएंगे और इसको ऊपर से उतार देंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये सोलह, सोलह फंदों को अब हम ऐसे बनाएंगे। तो देखिए मैं नाप के दिखा देती हूँ आपको, ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट, तो दोनों के मुंडे आप ऐसे मिला लीजिए, ये देखिए, और इतना बनेगा भी ये। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको मुंडे जोड़ना भी दिखाती हूँ।
अब देखिए फ्रेंड, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली। तो यहाँ से ऊपर मैंने ये 10 सिलाइयाँ फिर बना ली हैं। अब देखिए, सीधा ये रखेंगे और उल्टा ये ऊपर से। अगर इसको आप सीधा रखेंगे तो इसको आप उल्टा रखेंगे, एक चीज़ हमारी उल्टी आएगी। तो मैं बैक पार्ट उल्टा रख रही हूँ सीधे के ऊपर, और इन 16 फंदों को अब हम जोड़ेंगे ऐसे। एक फंदा दोनों सिलाइयों से, एक एक फंदा ऐसे लेंगे, दो का एक कर दिया, फिर अगले वाला दो का एक करा, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया। इस तरीके से हमें 16 फंदों को बंद कर देंगे बैक पार्ट के साथ। अब ये देखिए, सभी फंदे मैंने बंद कर लिए, और ये लास्ट वाला फंदा है, तो इसके अंदर से हमें नोट ऐसे लगा देंगे। तो ये हमारे मुंडे यहाँ पे जुड़ गए, और ये बैक पार्ट। और अब देखिए, ये जो हमने धारियाँ बनाई हैं यहाँ पे, देखिए डिजाइन से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धारियाँ बनाई हैं। तो 10 ही हम इस साइड भी बनाएंगे, पर पहले हम 8 फंदे यहाँ से उठाएंगे, ये जो डिजाइन की सिलाई है इसके ऊपर वाली। तीन, चार, पांच, छः, सात, अरे 8 अब इन फंदों को हम बनाएंगे यहाँ से। तो ये अपनी साइड को ऐसे धागा ले आएंगे, देखिए इसके नीचे से हमने ये फंदे उठाए 8, बस ऐसे हमने इसको बना लेना है। 1 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा लंबा छोड़ दीजिए ताकि निकले ना। तो अब इसको आप पीछे की साइड कर दीजिए ऐसे। 3 4 5 6 7 8 धागा पीछे करके इन अगले फंदों को हम सीधा बनाएंगे, और उस साइड जाके फिर 3 2 1 की कटिंग करेंगे। वैसे ही मुंडे की सेम टू सेम ऐसे ही बना लीजिए आप। और यहाँ पे 10 धारियाँ बनाने के बाद फिर आप गले की कटिंग कर दीजिए 3 3 2 1 की। और जितना हमने बैक पार्ट का बनाया उतना ही हम इसका भी बना देंगे, और फिर मुंडे जोड़ देंगे। इसके बाद फिर मैं आपको गले बनाना और इसका, मैं ये हाफ ही स्वेटर बना रही हूँ, फुल नहीं बना रही हूँ। तो इसकी मैं आपको मुंडे से कितने फंदे उठाएंगे और फिर कैसे हम उनको बुनाई करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो इतना आप ये बना लीजिए।